Hi guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. Firstly guys, thank you so much for all your love on my previous YouTube video. आप सबको मेरी hand modeling की video बहुत ज़्यादा अच्छी लगी. Thank you so much guys. I'm just looking forward to more such opportunities very very soon in future. And guys, आज की video जो है आपने thumbnail से पता कर ही लिया होगा. I am going to show you my reaction while my bikini waxing is done. And let me tell you guys, I am doing my bikini waxing after 5 months. Yes guys, so बहुत ही awkward सा video है ये, but मैंने YouTube पे काफी influencers को ये करते हुए देखा है with a lot of ease, just to show you guys कि कैसे reactions होते हैं या फिर कितना दर्द होता है या कैसा feel होता है बिकिनी वैक्सिंग करते हुए. आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने करवाया होगा एंड बहुत लोगों ने नहीं भी करवाया होगा. सो इट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर पीपल हु हैव नॉट गॉटन इट डन. सो आपको समझ में आएगा कैसा लगता है, कैसा फील होता है. अ लिटिल बैक स्टोरी दैट मैं मोस्टली आजकल शेव ही कर रही हूं, बट बिकिनी इज वन एरिया विच आई मोस्टली वैक्स, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई वैक्स. बट 5 months हो गए मैंने इस बार नहीं करवाया. पहला मंथ जब चला गया तो उसके बाद जब सेकेंड मंथ आया, आई एम लाइक ग्रोथ थोड़ी ज्यादा हो गई है, अब मुझे करने में डर लग रहा है. बिकॉज गाइज इतना ज्यादा दर्द होता है कि आप पूछो मत. आई ऑलवेज से कि इफ यू हैव अ हाई थ्रेशोल्ड फॉर पेन तभी जाकर बिकिनी वैक्स करवाना, वरना मत करना. सो पहला मंथ चला गया तो मैंने सोचा अरे यार करवा लेना चाहिए था, अब तो ग्रोथ बढ़ जाएगी. फिर मुझे पीरियड्स हो गए तो आई वॉज लाइक चलो रुक जाती हूँ पीरियड्स के बाद. उसके बाद ध्यान से निकल गया. फिर सेकेंड मंथ चला गया, थर्ड मंथ चला गया, फोर्थ मंथ चला गया, फिर 5 months हो गए और इतना डर गई मैं. मैंने बोला अब तो मैं नहीं करवा पाऊंगी, अब तो मुझे बहुत डर लग रहा है, बट कभी ना कभी तो करना ही है. तो आई वॉज लाइक चलो मैं आरती को फोन करती हूँ. आरती इज द गर्ल हू ऑलवेज कम्स एंड डज माई बिकिनी वैक्सिंग. इनफैक्ट फुल बॉडी वही करती है, मैं हैंड्स लेग्स एंड बिकिनी करवाती हूँ. तो आरती ने मुझे बोला, मैंने उसको पूछा डर के मारे कि आरती इस बार ग्रोथ बहुत ज्यादा है तो शुड आई टेक अ सीजर एंड कट ऑफ द लॉन्ग हेयर. तो शी इज लाइक नहीं मैम प्लीज ये तो कभी मत करना, प्लीज जैसा है वैसा रहने दो, मैं आकर ठीक कर दूंगी. अब डर मेरा डबल हो गया है बिकॉज आई एम लाइक यार काटने से भी मना कर दी, जब वो खींचेगी कितना ज्यादा दर्द होने वाला है. सो मैं वो आपको बात करते हुए मुझे पसीना आ रहा है बिकॉज आई नो कितना पेन होता है. लाइक 5 months हो गए बट मैं भूल ही नहीं हूँ कितना पेन होता है. सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर आरती टू कम. आपको अगर बताना चाहूंगी वाई आई चूज आरती ओनली इज बिकॉज आरती 5 minutes में पूरा बिकिनी वैक्सिंग खत्म कर देती है. लाइक शी डज टेक बिग पैचेस बट शी हैज अ लॉजिक बिहाइंड इट जो मैं आपको बाद में समझाऊंगी कि वो क्यों बड़े पैचेस लेकर 5 minutes में खत्म कर देती है. ट्रस्ट मी गाइज शी डज अ वेरी वेरी गुड जॉब. तब वो आएगी कुछ देर में, आई एम जस्ट वेटिंग. आई थिंक अभी नेक्स्ट हाफ एन आवर में शी शुड बी हियर एंड उसके बाद आई एम गोइंग टू स्टार्ट. आई एम गोइंग टू होल्ड द कैमरा लाइक दिस एंड आपको मेरे रिएक्शंस दिखेंगे. आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पर्वर्ट्स विल बी देयर इन द कॉमेंट्स एंड अ लॉट ऑफ अदर पीपल विल बी देयर लाइक ये सब क्या दिखा रही हो, बट फ्रेंकली आई एम जस्ट डूइंग इट बिकॉज मुझे आप लोग को दिखाना है कि कितना पेनफुल है. मेरा जो मेंस्ट्रुअल कप वाला वीडियो भी था वो भी मैंने आपको दिखाया था एंड आप सबने बहुत पसंद किया था बिकॉज एक लाइव एक्सपीरियंस हो जाता है यू नो बिफोर यू ट्राई इट आउट. तो आई एम श्योर ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल होगी कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दैट आई लीव अप टू यू ऑल. बट या बस अब आरती आधे घंटे में आती होगी एंड यू आर गोइंग टू सी माई फेस रिएक्शंस जब शी इज पुलिंग आउट द बिकिनी हेयर. सो या लेट्स गो. हाय गाइस, सो आरती इज हियर एंड वी आर स्टार्टिंग बिकिनी फर्स्ट एंड देन द रेस्ट ऑफ माई बॉडी पार्ट्स. तो आरती चालू करें. शी इज रियली कैमरा शाय सो शी वोंट बी कमिंग इन कैमरा, बट उसकी शायद आवाज आएगी. ठीक है ना, आवाज चलेगी ना? चलेगा. ओके ठीक है. मेरे को पीरियड्स हो गया था इसलिए. आरती प्लीज छोटे पैचेस लेना, इस बार थोड़ा ग्रोथ ज्यादा है ना. ये पैर को इधर, ये छोड़ो नीचे. नहीं इधर इधर रख दो. हाँ ये पैर को नीचे रखो. आप खींचो भी कैसे, स्ट्रेच करना. हाँ आप छोटे पैच करो. हाँ, प्लीज. आराम से आरती प्लीज. ये रिएक्शन मत डालना. आ
I usually give bad words like fuck and everything, but आज आ नहीं रहा because I'm nervous because the camera is also on. मैं खींच रही हूँ. ऐसे रखो पैर. हाँ, यस. छोटे पैर लो प्लीज. हाँ, आती आराम से रखो. एकदम आराम से, डरिए मत. बस हो गया, हो गया. आ मुझे पूरा पसीना आने लग गया है. हो गया क्या? इट्स पेनिंग सो बैडली बिकॉज इट्स 5 months that I've not done and it's really really hurting. I will never take a break. Ah, she's back to taking her big patches. Oof. And I'm sweating, like I'm literally sweating. Ho gaya thi itna jaldi? Oh god. But like I told you, she's really quick and she's very fast, so how much ever it pains, it just pains for 5 minutes. That's how I console myself, that it's just for 5 minutes, so you just have to control. Rather than, you know, doing slow and waiting for like half an hour, 40 minutes, you just have to scream and shout and feel the pain for 5 minutes. And that's the reason I always call her, because some people are really slow, some people give you chatka, but she's really good. हो गया ना आरती? Hi guys, so done with my waxing. So happy. I know last time I wore this t-shirt, a lot of you asked me aapne kahan se liya hai. Let me tell you, I bought this t-shirt for 250 se 300 rupees ke andar from a street shop. I was just passing by aur mujhe na ye oversized t-shirt mujhe bahut pasand hai. Even when I go to the shower, I come out, I just wear this and come out, I just feel free and nice after I wear this. Anyway, so done with my bikini waxing and like you saw my reaction, bahut ज़्यादा दर्द होता है. आफ्टर आई वैक्स आई जस्ट अप्लाई सम ऑयल देयर सो दैट यू नो वो एरिया मॉइस्चराइज रहे, एंड देन व्हेन आई टेक अ शावर और समथिंग उसके बाद मैं मॉइस्चराइजर लगा देती हूँ. आई अवॉइड पुटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स देयर बिकॉज मुझे इन्फेक्शन बहुत ईजिली हो जाता है इसलिए, बट ऑयल इज समथिंग आई अप्लाई, जॉनसन बेबी ऑयल ओनली. सो या गाइज, आपको कैसा लगा? आई होप आपको उतना ही दर्द फील हुआ रहेगा जब मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, बिकॉज आई नो हाउ इट इज व्हेन आई वाज सीइंग माय वीडियो व्हाइल एडिटिंग. आई एम लाइक मुझे भी वही फील हो रहा था. तो लेट मी नो आपकी क्या रिएक्शंस है, एंड लेट मी नो कि आप बिकिनी वैक्सिंग करोगे या नहीं. फॉर ऑल दोज हु डू बिकिनी वैक्सिंग ऑलरेडी, लेट मी नो दिस इज रिलेटेबल. ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स ना हमको आदत पड़ जाती है कि वहां पर अब चोट लगने ही वाली है, मार लगने ही वाली है, समबडी इज गोइंग टू पुल, यू नो, पता ही कि लगने वाला, तो यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड. बट चालू होने के पहले उतना ही डर लगता है, उतनी ही मुझे पसीने आने लगते हैं. लाइक जब वैक्सिंग होने वाली होती है ना, तो मैं एक घंटे पहले ही सोचती कि अरे यार आज दुखने वाला, यू नो, मेरा दिमाग ऐसा ही फील ना, आई स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट. लेट मी नो इफ दिस इज रिलेटेबल एंड आप भी ऐसा फील करते हो. एंड फॉर ऑल दोज हु वांट टू गो फॉर बिकिनी वैक्सिंग, जस्ट अ स्मॉल टिप, if you have high threshold go for it, if you don't have high threshold don't go for it, it's okay. agar aapko wo try karne ka keeda hai to jao, jo mujhe tha, and नहीं करना है ट्राई तो प्लीज इट्स ओके, कम्प्लीटली ऑल राइट. यू कैन ऑल्सो शेव, इट्स योर पर्सनल चॉइस. करना है तो करो, वरना मत करो, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू. नहीं भी शेव करना तो भी इट्स ओके, बट अगर आपको वहां का हेयर क्लीन आउट करना है तो शेविंग इज ऑल्सो एन ऑप्शन. देर आर मेनी रेजर्स इन द मार्केट जो शेविंग के लिए बहुत ही एप्ट है फॉर द बिकिनी एरिया, सो गो हेड एंड डू दैट. सो गाइस, दैट वॉज इट, दिस वॉज माई एक्सपीरियंस. लेट मी नो आपको कैसा लगा, आपका कुछ अलग एक्सपीरियंस रहा है, या कभी किसी ने आपको वहां पर चटका दे दिया है, या कुछ हो गया, बिकॉज मैंने बहुत लोगों से उनके एक्सपीरियंस सुने हैं. थैंक गॉड मुझे आज तक वहां पर कभी चटका नहीं लगा, या कुछ ऐसा गलत नहीं हुआ. मुझे हमेशा राइट दीदीज आई है मेरे पास करवाने के लिए, एंड आई हैव स्टक टू व्हाट्स हर नेम,
आरती. आई हैव स्टक टू आरती ऑलवेज बिकॉज शी इज रियली रियली वेरी प्रोफेशनल. सो या गाइज, दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो. इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज हिट दिस वीडियो अ थम्स अप बटन. प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हेल्प मी इन दिस न्यू जर्नी ऑफ माइंड. लव यू. बाय.